आपको स्टोरी वीडियो बनाने के लिए बताऊंगा जो आप कैसे बना सकते हो बिना अपनी वॉइस के और अपना फेस दिखाए। आपको इसमें अपना फेस भी नहीं दिखाना है और अपनी वॉइस ओवर भी नहीं करनी है। ये सब आप अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और आप इसमें देख सकते हो इस पे वीडियो पे व्यूज़ कितने आते हैं और इन चैनलों पे सब्सक्राइबर कितने हैं। तो आप ऐसा चैनल बना सकते हो और बिना वॉइस ओवर किए और बिना अपना फेस दिखाई ये वीडियो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों ये सब कैसे कर सकते हो ये आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों वॉइस ओवर करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है, जाके प्ले स्टोर पर जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच या फिर TTS सर्च कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच सर्च करना तो यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये ऐप का जो लोगो है वो ऐसा है और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसे और अपडेट करना है। तो यहाँ पर मैं अभी अपडेट नहीं करूँगा और इसमें आपको कहीं भी टेक्स्ट लिख लेनी है या फिर इसी पर जाके लिख लेनी है। मैं इसे जब ओपन करूँगा यहाँ पर तो इसमें जब ये ओपन होगा दोस्तों तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा और ये लोडिंग होने में थोड़ा सा समय लेगा और उसका ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। और इसमें आपको कोई भी प्रीमियम नहीं लेना, ये सब बिल्कुल फ्री ऐप है। और यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर टेक्स्ट ऐड कर देना है अपनी हिंदी में अगर आप हिंदी स्टोरी बनाना चाहते हो तो। और हिंदी स्टोरी जो है वो आपको गूगल से ले लेनी है या फिर कहीं और से आप देख सकते हो यूट्यूब से भी। और उसमें कुछ अपनी कीवर्ड ऐड करके यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देनी, हिंदी में कोई भी स्टोरी आपको ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पर पहले हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे वॉइस आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक गांव में एक राजा रहता था। और ऐसी स्टोरी आपको लिखनी है और उसके बाद यहाँ से वापस आना है और यहाँ पे जो ऑडियो का ऑप्शन है एक गांव में एक राजा रहता था ऐसी स्टोरी आपको बना लेनी है अपनी ऐसी स्टोरी बनाने के बाद। और इसकी जो आवाज़ है उसे यहाँ पे जो वॉइस का जो लेखा लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लैंग्वेज हिंदी इंडिया करके और सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे हिंदी इंडिया। और जो वॉइस है उसे आप किसी मेल या फीमेल वॉइस में चेंज कर सकते हो जैसे आप रखना चाहें अपनी वीडियो के लिए। और इसके बाद इसे यहाँ से सेव कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे इसे सेव करने के लिए यहाँ पे जो राइट साइड में सेव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और सेव ऑन डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ पे इसे सेव कर लेना। और जब ये सेव हो जाएगा तो ये आपकी ऑडियो के तरह सेव हो जाएगा और वो जो वहाँ पे टेक्स्ट आपने डाला था उसे पूरा यहाँ पे मैं बहुत छोटे आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पिक्सल लेन में जाना है और पिक्सल लेन में जाने के बाद आपको इस फोटो को जो आपकी यूट्यूब का थंबनेल होता है उसका इतने साइज में लेना है इसे। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो कलर है इसे यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं व्हाइट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप चाहें वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पे जो आपने ऑडियो बनाई थी उसी का यहाँ पे टेक्स्ट में डाल लेना है, टेक्स्ट बना लेना। जैसे वहाँ पे कहानी बनाई थी मैंने क्यों इसे टेक्स्ट में डाल के ऐसे। और इसका जो फॉन्ट है उसे चेंज कर लेना और ऐसे ही जितनी लंबी कहानी हो आपको उस तरीके से यहाँ पे बनाते जाना। और उसके बाद यहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके सेव टू गैलरी में कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद कोई भी कहानी जो है वो आपको लेनी है वो गूगल से या फिर आप यूट्यूब से या फिर कहीं से भी सुन के आप उस कहानी को टेक्स्ट में बदल सकते हो। और टेक्स्ट में बदलने के बाद उसे टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके उसे वॉइस में बदल लेना। और यहाँ फोटो पे जाना और ये फोटो जो वहाँ पे कहानी वाला किया था उसे यहाँ पे ले लेना। फिर इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट ऐप में ये फोटो यहाँ पे लगा के फिर म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाना है और म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जो माई म्यूजिक में जाना है और जो वहाँ पे कहानी सेव की थी वो यहाँ पे मिल जाएगी। और इसे मैं चला के दिखाता हूँ, ये ऐसे चलेगा। एक गांव में एक राजा रहता था, ऐसी बहुत लंबी कहानी बना सकते हो आप। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई है। और इसके बाद आप इसे यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे तो ये आपकी वीडियो की तरह हो जाएगी। और ये तो दोस्तों ये जो है वो आपकी वीडियो की तरह सेव हो चुकी है और इसे अब आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हो, इसके टाइटल लगा सकते हो जो कहानी में आपने डाला वही टाइटल। और वीडियो अपलोड करने का जो तरीका है उस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो इसे अपलोड करके और अपने चैनल पर अपलोड करके और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें आपको ना ही तो वॉइस ओवर करना है और ना ही अपना फेस दिखाना है, ऐसी वीडियो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। और कोई